हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भारती पाटिल में। तो आज मैं बनाने वाली हूँ पत्ता गोभी की सब्ज़ी। तो सबसे पहले मैंने पत्ता गोभी बनाने के लिए एक टमाटर लिया है, उसको अच्छी तरह काट लिया और जो पत्ता गोभी थी उसके ऊपर के छिलके निकाल के उसको भी बारीक बारीक कट कर लिया। ये पत्ता गोभी की सब्ज़ी मैं सूखी बना रही हूँ, आपको जैसे चाहिए हो आप बना सकते हो। इसके पराठे भी बनते हैं। ये पत्ता गोभी की सूखी सब्ज़ी बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी होती है, टिफिन में स्कूल में दे सकते हो आप। सबसे पहले हम पत्ता गोभी को गर्म पानी में बॉईल कर लेंगे। पानी गर्म हो गया है, पत्ता गोभी को डाल देंगे। पत्ता गोभी हमारी अभी 2 मिनट में बॉईल हो जाएगी। 2-3 मिनट तक इसमें गर्म पानी में रखना है, वापस इसको छन्नी में निकाल लेंगे। देखो हमारी पत्ता गोभी पक गई है। और मैंने टमाटर लिया है, कड़ी पत्ता लिया है, लहसुन लिया है, हरी मिर्च ली है। मैं ये हरी मिर्च डाल के बना रही हूँ, आप लाल मिर्च पाउडर डाल के भी बना सकते हो। 2 चम्मच में ऑयल डालूँगी। और उसमें सरसों डालेंगे, थोड़ा जीरा डालेंगे। जीरा डाल दिया है, लहसुन की कलियां डालेंगे, कड़ी पत्ता डालेंगे और टमाटर हरी मिर्च सब डाल देंगे जो मैंने काट के रखा था। इसमें आप प्याज भी ऐड कर सकते हो, अगर प्याज डाल दिया तो थोड़ा इसमें स्वाद मीठा हो जाता है, इसलिए मैंने प्याज नहीं डाला है। अभी हम मसाले डाल देंगे, हल्दी पाउडर डाला है थोड़ा सा, आधी चम्मच। गरम मसाला डालेंगे, जो भी आपके पास हो, कौन सा भी मसाला हो पर ज़रूर डालना है। और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जो पत्ता गोभी मैंने बॉईल करके रखी थी वो इसमें ऐड कर देंगे। पत्ता गोभी मैंने ऐड कर दिए, उसको अच्छी तरह चलाएंगे। सूखी सब्जी बनाने के लिए इसमें पानी ऐड नहीं करना है क्योंकि हमने पहले ही पत्ता गोभी को बॉईल कर लिया था। पत्ता गोभी की सब्ज़ी, अभी हम थोड़ा धनिया डालेंगे। पत्ता गोभी की सब्ज़ी हमारी बनके तैयार है। अगर सब्ज़ी अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।